सवाल यहाँ दिया हुआ है, लकड़ी का बीम है जो कि 5 मीटर लंबा और 36 सेंटीमीटर चौड़ा यहाँ पर थिकनेस, ठीक है ना, चौड़ाई। इट इज मेड ऑफ 1.35 मीटर क्यूब ऑफ वुड, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द बीम। अब मीटर क्यूब यहाँ पे दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, सिंपल। तो लिखेंगे यहाँ पर हम लोग गिवन, क्या दिया हुआ गिवन आपको, कुछ नहीं था, तो वॉल्यूम दिया कितना जी 1.35 मीटर क्यूब, इस चीज को यहाँ पे जानो। अच्छा लंबाई दिया हुआ ना, लेंथ एल दिया हुआ है 5 मीटर, यानी कि कितना हो जाएगा, ऐसे मीटर ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। और थिकनेस यानी कि ब्रेथ बोल सकते हैं उसको वहां पर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और चौड़ाई पूछा है ना, थिकनेस यहाँ पे इसको बोल सकते हैं ब्रेथ, यानी कि बी, बी कितना दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर, इसको चेंज कर लेता हूँ मीटर में, तो कितना हो जाएगा 36/100 मीटर, कितना हो जाएगा 0.36 ना, एक दो, यानी कि 0.36 मीटर, ये हो गया। चौड़ाई पूछा है विद, पहले अगर डायग्राम बना ले हम लोग तो कैसा बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा आपका, ये बीम हो गया, रेक्टेंगुलर बीम है तो मैंने क्यूबॉइड बनेगा, ये घनाभ बनेगा। लंबाई आपको दिया हुआ है कितना 5 मीटर, चौड़ाई आपका दिया हुआ है यानी कितना 36 सेंटीमीटर, ये 36 दिया हुआ है। और विथ पूछा है, यानी कि विथ यानी कि यहाँ पे क्या होगा, ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है ना। ऊंचाई कितना हो जाएगा, मान लो यहाँ पे इस पर मान लेंगे हम x, x तो यहाँ विथ यानी कि हाइट बोल देते हैं, हाइट हो जाएगा x मीटर, मान लो 100 मीटर, ये मीटर 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 मीटर। और वॉल्यूम यहाँ पे कैसे लिखे हैं, वॉल्यूम यहाँ पे लिखा हुआ नहीं था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में वॉल्यूम लिखा हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पे चूंकि मीटर क्यूब दिया हुआ है, तो जानते हैं कि मीटर क्यूब किसका होता है, यूनिट वॉल्यूम का होता है, सरफेस एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, तो वॉल्यूम होगा। अब जानते हैं यहाँ पर कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड यानी कि किसी भी घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन जो होता है, आयतन जो होगा क्या होता है जी, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये होता है ना। और यहां से घनाभ का आयतन क्या दिया हुआ आपको, इसके जगह पे क्या लिखना है हमको, ये लिखना है 1.35 इक्वल टू लंबाई कितना दिया हुआ है 5, चौड़ाई कितना दिया हुआ है 0.36, ऊंचाई कितना दिया हुआ है x। हम आपको क्या बोले, कैलकुलेशन एकदम करना है लास्ट में, कैलकुलेशन एकदम लास्ट में, ताकि गलतियों का चांस क्या रहे, बहुत ही ज्यादा रहे, कम रहे, ठीक है, ध्यान है आप लोगों को। अब देखिए यहाँ पर तो x का मान निकालना है, यानी इसको इधर ले आएंगे यहाँ पे नीचे, तो 1.35 by 5 into 0.36, और यहाँ क्या बचेगा आपका x बचेगा। अब देखिए दो घर के बाद यहाँ पॉइंट है, दो घर के बाद यहाँ पॉइंट है, दो घर के पहले पॉइंट है यहाँ ना, और यहाँ भी, तो ये खत्म ये खत्म, तो ये क्या बना, कैलकुलेशन यहाँ करते हैं, ठीक है ना, बन गया आपका x equal to 135 by 5 into 36, यही बन गया ना, यही बन गया। अब क्या करना है, 5 × 8 = 9, 3 × 6, ये कट जाएगा नहीं इसका, आपका 9 से कट जाएगा, देखिए 9 × 6 = 36, 9 × 9 = 9, 9 × 4 = 13, 9 × 5 = 45, खत्म हो गया ये, 5 × 3 = 15, 5 × 3 = 15 यहाँ पे हो गया, तो 3/4 हो गया ना। अब देखो 5 × 3 = 15 यहाँ पर, 3/4 यहाँ पर हो गया, यानी कि मैं क्या निकला, ये x बराबर निकला 3/4 मीटर निकला, आंसर आपको कितना दिया हुआ है सेंटीमीटर में, तो चेंज कर दिया ना यहाँ पर कि 3/4 मीटर बराबर हो जाएगा 3/4 × 100 सेंटीमीटर, ये होता है ना, क्योंकि मीटर को चेंज करने में कितना हो जाएगा आपका 100 से गुना करना होगा, तो 4 से कटेगा ये 25 बार में, तो ये हो जाएगा आपका 75 सेंटीमीटर, जो कि आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है, ये हो गया। आप सो कर सकते थे, सो सेंटीमीटर क्यूब में चेंज कीजिए, ठीक है ना, वो आप पे डिपेंड करता है, नोट ऑफ कीजिए जल्दी से। तो चलिए आइए देखिए यहां पर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, द वॉल्यूम ऑफ अ रूम इज 378 मीटर क्यूब एंड द एरिया ऑफ इट्स फ्लोर इज 84 मीटर स्क्वायर, फाइंड द हाइट ऑफ द रूम। सबसे पहले क्या करो, क्वेश्चन अगर दिखा है ना, तो जिसके बारे में क्वेश्चन दिया जा रहा है पहले उसका डायग्राम बना लो, ताकि समझने में ज्यादा आसानी हो। तो रूम दिया हुआ है, तो रूम कैसा बनाएंगे हम लोग, यहाँ पे हाइट भी रूम का है, ठीक है ना, फ्लोर भी है, तो रेक्टेंगल से रूम बनाते हैं हम लोग, क्यूबॉइड शेप का। तो सबसे पहले अगर रूम बनाए हम,
तो ये आपका रूम हो गया। रूम मतलब क्या होता है? कमरा। कमरा और कमर का इंग्लिश क्या होता है? रूम। कमर का इंग्लिश क्या होता है? रूम। ये हो गया। एक कमर का इंग्लिश क्या होता है वैसे? वेस्ट। WAST वेस्ट मतलब कूड़ा करकट होता है। कमरा का इंग्लिश होता है रूम और कमर का इंग्लिश क्या होगा? चलिए पता करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है ना? क्या होता है? सो वेस्ट ही होता है, स्पेलिंग कुछ अलग होगा। देखिए यहां पर वॉल्यूम दिया हुआ है तो लिख देते हैं पहले जो दिया हुआ है। गिवन, गिवन क्या दिया हुआ है? वॉल्यूम दिया है। और एक चीज चाहिए कि मेंशनेशन चैप्टर में, इस तरह के चैप्टर बनाते हैं हम लोग, आयतन वाला चैप्टर बनाते हैं ना, उसमें फिगर बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। फिगर बनाइए तो फिर टीचर को क्या होगा, चेक करने में आसानी, और जब टीचर को आसानी होगा तो नंबर देने में उनको आसानी होगा, वरना पलाते रहेंगे वो भी और पला देंगे आपको कॉपी पर फिर। तो वॉल्यूम यहाँ पर हो गया कितना? 378 मीटर क्यूब, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एरिया ऑफ द फ्लोर दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए एरिया ऑफ द फ्लोर, फ्लोर मतलब क्या होता है? फ्लोर मतलब क्या होता है? फ्लोर मतलब होता है जमीन। ये जमीन जो है ना, ये वाला देखिए यहाँ पर, ये जमीन जो है ना, ये दिख रहा है आपको? यस सर। ये फ्लोर जो है ए बी सी डी, इस फ्लोर का दिया हुआ क्षेत्रफल आपको 84 मीटर स्क्वायर। तो पूछा गया है फाइंड द हाइट ऑफ द रूम, रूम का हाइट कितना होगा, रूम का हाइट कितना होगा, यानी कि अगर हम इसको इसको अगर रूम मान लें, रूम का शेप मान लो ये है रूम है, मान लो दरवाजा खोल दे रूम हो गया, तो टोटल वॉल्यूम दिया हुआ 378 मीटर क्यूब, और एरिया ऑफ द फ्लोर, ये फ्लोर जो नीचे है ना फ्लोर, ये जमीन जो है, ये जमीन का क्षेत्रफल दिया हुआ 84 मीटर स्क्वायर। बाबू यहाँ ध्यान रखना कि ये मीटर क्यूब है और ये मीटर स्क्वायर है, अंतर लग रहा है ना, क्योंकि ये वॉल्यूम में क्या दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है। आपको पूछा हाइट कितना होगा, हाइट कितना होगा, हाइट ऑफ द रूम, सिंपल यहां पूछा गया है। अब एक बात बताइए, हम जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ रूम जो होगा, यानी रूम किस किस शेप में है? क्यूबर्ड शेप में है ना, क्यूबर्ड यानी घनाभ शेप में है, तो घनाभ का क्या होता है आयतन? एल इंटू बी इंटू एच, यही है ना। और देखिए यहां पर वॉल्यूम आपका दिया हुआ है, यहां पे वॉल्यूम लिख दीजिए कितना दिया, वॉल्यूम 378 इक्वल टू, अच्छा आपको एल इंटू बी इंटू एच पूछा है, इसमें एच पूछा है ना, इसमें एच पूछा है, तो क्या आपको एल इंटू भी मालूम है? एल इंटू भी मालूम है, लंबाई का चौड़ाई मालूम है आपको? देखो इसको लंबाई कहेंगे यहां पर, एल कहेंगे इसको, सो चौड़ाई कहेंगे यहां पर, इसको क्या कहेंगे हम, ऊंचाई कहेंगे। तो एल इंटू भी मालूम है क्या हमको? मालूम है हमको, कहां से मालूम है जी? क्योंकि हमको एरिया ऑफ द फ्लोर दिया हुआ है ना, और फ्लोर किस शेप का है आपका? रेक्टेंगल शेप का होता है, फ्लोर रेक्टेंगल का होता है ना, तो ये लंबाई गुणा चौड़ाई जब करेंगे तो यही निकलेगा ना, नीचे का एक फेस निकलेगा ना, लंबाई गुणा चौड़ाई करेंगे तो नीचे का एक फेस निकलेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि लंबाई गुणा चौड़ाई की जगह पे लिख सकते हैं कितना, 84 लिख सकते हैं, क्योंकि हमको दिया हुआ एरिया दिया हुआ है ना, एरिया मतलब क्या, एल इंटू बी, फ्लोर का ये हुआ ना एल इंटू बी, 84 दिया हुआ है ये, तो एल इंटू बी की जगह क्या रख दिए हम, 84 रख दिए यहाँ पर, और गुना क्या बचेगा मेरा यहाँ पर, एच बचेगा। सही आ रहा है क्या कर रहे हैं? सो 378 वॉल्यूम इसका हो गया, आयतन हो गया, बराबर होता है एल गुना बी गुना एच, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, हमको लंबाई गुना चौड़ाई का मान मिला के दे दिया यहाँ पर, अलग अलग नहीं दिया हुआ है, मिला के दिया, मिला कैसे दिया है जी, आपको क्या दे दिया, एरिया ऑफ द फ्लोर दे दिया है, इस जमीन का क्षेत्रफल दे दिया है, और जमीन में लंबाई है और चौड़ाई सिर्फ है, लंबाई में चौड़ाई कितना दे दिया आपको, 84 दे दिया है, तो बस यहाँ पे क्या किए हम, इस वैल्यू को पुट कर दिए हैं, ठीक है ना। होश में, बेहोश में हो रहे हो? नहीं हो रहे हो, ठीक है। और अब यहां से आपको एच का मान निकालना है, तो 378 बाय इसको यहां ले आएंगे हम लोग, 84 बराबर कितना हो जाएगा, एच, ठीक है ना। और सब जब मीटर में दिख रहा है हमको, ये इंच में निकलेगा मेरा, मीटर में ही निकलेगा। अब काटेंगे इसको तो काटे कितना कटेगा, ये कैसे कटेगा, 4 यहां है 8 लास्ट में, कट जाएगा, बोलो कितना कटेगा, बोलो 7 कटेगा, 7 से देखो तो 7 × 35 237 728 कट जाएगा, सबका 7 × 7 = 14, ठीक है ना, 7 × 6 = 35 और 237 × 728। एक चीज लेकिन है, हम बताए थे पहले भी कि इंग्लिश कितना भी अच्छा पढ़ लो, लेकिन कैलकुलेशन हिंदी में करने में ज्यादा मजा आता है। 7 × 14, 7 × 14, 7 × 21, 728, ये बोले ज्यादा मजा आता है हम लोग को, 7 × 6 = 35। अब 54 कैसे कटेगा, ये 4 से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से कट जाएगा ना, 6 से कटेगा,
छेद 12 6 9 54 तो 9/2 क्या मीटर बराबर एच, और 9/2 क्या होता है कितना हो जाएगा जी, ये 4.5 हो जाएगा ना, 4.5 मीटर बराबर क्या हो गया एच हो गया, ये आपका आंसर हो गया। यानी कमरे की ऊंचाई जो होगी वो 4.5 मीटर होगी, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, बताते हैं फिर से एक बार, नोट डाउन करो पहले इसको। सवाल दिख रहा है आपको ना, वॉल्यूम ऑफ आयरन रिक्वायर्ड टू मेक एन ओपन बॉक्स व्हिच एक्सटर्नल डायमेंशन, आपका ये बाहरी चीज डायमेंशन दिया हुआ है और बॉक्स की चौड़ाई कितनी है जी, 1.5 सेंटीमीटर थिक है, और अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहा लगता है हमको 8.5 ग्राम, तो बॉक्स उस खाली बॉक्स का निकालना वजन कितना होगा, यही है खाली बॉक्स का डायग्राम यहाँ पे बना दिए हम इस तरह से। बाहरी लंबाई कितनी है 36 सेंटीमीटर, बाहरी भुजा ये बाहरी क्या ब्रेथ कितना हो जाएगा 25, और बाहरी ऊंचाई कितनी हो जाएगी 16.5, और बॉक्स की मोटाई कितनी दी हुई है डेढ़ हो गया। तो यहाँ लिखे हुए हम यहाँ पर कि एक्सटर्नल डायमेंशन कितना हो गया 36 × 25 = 16.5 पास है क्वेश्चन के अनुसार, और उस लोहे की मोटाई कितनी दी हुई है 1.5। तो यहाँ पे इंटरनल डायमेंशन निकालेंगे हम, तो लंबाई में क्या करेंगे 36 में से हम इधर से डेढ़ उधर से डेढ़ घटा देंगे हम यहाँ पे माइनस करेंगे, तो कितना होगा 36 माइनस डेढ़ कितना हो गया 3, जैसे 1.5 जैसे 1.5 कितना घटा 3 घटा ना, तो टोटल 36 में से 3 घट गया, कितना बचेगा अंदर का लेंथ, अंदर का लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक कितना बचेगा, देखिए यहाँ देखिए अंदर से यहाँ तक कितना बचेगा, यहाँ पे 33 बचेगा ना, ये 33 यहाँ पे हो गया, ये हो गया। ब्रेथ कितना होगा 25 में से टोटल यहाँ से 25 दिया होगा, 25 में से इधर डेढ़ घटा दिए हैं, इधर डेढ़ घटा दिए, अंदर कितना बचा ये वाला अंदर का 25 में गया ना, और 16.5 वाला बाहरी हाइट है 16.5, तो 16.5 में हम क्या किए अंदर घट कितना होगा 16.5 में अंदर का जो मोटाई है डेढ़ ये घट जाएगा ना, तो कितना स्पेस तो ले रहा है ना यहाँ पर, तो डेढ़ घट गया कितना बचेगा, ये 16.5 में डेढ़ घटेगा तो 15 सेंटीमीटर घटेगा, नहीं एक साइड घटेगा ना, देखो यहाँ वही तो समझा रहे हैं ना, एक को माइनस करेंगे क्यों, क्योंकि इस ऊंचाई में जो ऊंचाई बाहरी से मान लो कितना है 16.5 पूरा, ये 16.5 ये हो गया, 16.5 में ये बाहरी का हो गया, अंदर का जब लेंगे मान लो ये अंदर का लेंगे, अंदर मान लो कितना होगा इतना तो मोटाई है ना इतना, तो अंदर में से कितना हाइट है इतना ही हाइट बचाना, तो अंदर में 16.5 में से ये बाहरी का जो मोटाई ये वाला है जो प्लेट लगा हुआ है अंदर से वो तो घट जाएगा ना जी ये वाला, तो 16.5 कितना घटेगा ये डेढ़ घटेगा, देखो ये हाइट मान लो ले रहे अंदर से हम, तो यहां तक आ रहा है, यहां तक आ रहा है ना ये हाइट, यहां तक आ रहा है ना ये, कितना घट रहा है सिर्फ, जो घट रहा है क्या है वो बाहरी प्लेट का क्या है मोटाई है ना, तो इसलिए एक माइनस करेंगे हाइट में, यहाँ पर 16.5 में डेढ़ घटा दिए कितना बचेगा यहाँ पर 15 बचेगा। आपको निकालना है वॉल्यूम उस इंपैक्टिव बॉक्स का निकालिए पहले, तो क्या करेंगे बाहरी वॉल्यूम में से अंदर का वॉल्यूम क्या करेंगे हम माइनस कर देंगे, तो लिखेंगे यहां पर हम क्या लिखेंगे जी हम कि वेट ऑफ आयरन, ठीक है ना, या लिखेंगे सीधा हम लोग कि वॉल्यूम ऑफ आयरन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ आयरन क्या होगा, तो वॉल्यूम आयरन जो होगा वो होगा एक्सटर्नल डायमेंशन या एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम, शॉर्ट में लिख रहे हैं हम यहां पर। एक्सटर्नल वॉल्यूम कितना हो जाएगा आपका, एक्स्ट्रा वॉल्यूम आपका हो जाएगा जो एक्सटर्नल डायमेंशन दिया हुआ है ये वाला आपका, तो 36 × 25 × 16.5, ठीक है ना, माइनस इंटरनल वॉल्यूम, इंटरनल वॉल्यूम में इंटरनल डायमेंशन क्या हो जाएगा, लंबाई 33, चौड़ाई कितना 22, ऊंचाई कितना हो जाएगा 15, ये हो गया। सॉल्व करिएगा इसको, कितना आता है देखिए, तो सॉल्व बताइए इसको मल्टीप्लाई कीजिए पहले कितना होगा, या सिंपल से क्लोज कीजिए ना 36 × 25 इंटू 16.5 × 10 यहाँ करेंगे यहाँ पर हटा के, अब काटिए इसको कितना हो जाएगा 5 × 10
5 × 15 × 15 ये हो गया, 2 × 18 में ये 36 हो गया, गुना करेंगे इसको हम लोग कितना आ जाएगा। अच्छा यहाँ इस प्रश्न यहाँ पर ठीक है ना, माइनस कर गुना करेंगे बाद में, यहाँ पर 33 × 22 × 15 18 यहाँ है, 33 यहाँ, 25 यहाँ, 33 यहाँ, 22 यहाँ, 15 यहाँ, 33 ले लो कॉमन, कॉमन आएगा जी यहाँ देखो तो 33 यहाँ पर 33 यहाँ पर कॉमन आ जाएगा ना, या सिंपल गुना कर दो मत लो कॉमन, मल्टीप्लाई करो सिंपल, बताओ कितना होता है, मल्टीप्लाई करो यहाँ देखिए इसको अगर गुना कीजिएगा तो कितना आएगा आपका 14850 माइनस, अगर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे कितना मेरा आएगा जी 10890 और इसको घटाएंगे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा मेरा 0 15 में 9 हो गया 6 यहाँ बचा 7 17 में 8 हो गया 9 और यहाँ बचा 3 और 1 में 1 गया खत्म हो गया ये इतना मेरा सेंटीमीटर क्या आएगा क्यूब आएगा ये किसका मेरा निकला वेट ये भूल पिस्सा निकला मेरा ये जी उस सिर्फ लोहे का और सिर्फ लोहा कितना लगा हुआ है ये प्लेट कितना लगा हुआ है प्लेट ये प्लेट दिख रहा है ना इस प्लेट का वॉल्यूम कितना निकला मेरा 3960 सेंटीमीटर क्यूब अब पूछा है आपको कि अगर मान लो कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन दिया 8.5 ग्राम 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहा का वजन कितना दिया हुआ है 8.5 ग्राम तो इतना कितना हो जाएगा तो 3960 सेंटीमीटर क्यूब का वजन कितना हो जाएगा 8.5 × 3960 कितना ग्राम कर जाएगा यहां पर इसको चेंज करेंगे हम 8.5 × 3960 बाय कर दीजिए 1000 तक क्या निकल जाएगा मेरा केजी निकल जाएगा केजी होगा ना केजी होगा ना तो यहां से कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना होगा बताइए अब बस मल्टीप्लाई कर लीजिए 3960 8.5 मल्टीप्लाई कीजिए 3960 को 8.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ठीक है ना 30 हाथ में 3 45 48 हाथ में 4 5 × 15 = 19 और 0 × 8 = 48 हाथ में 4 × 8 = 72 4 = 76 7 × 8 = 24 24 × 7 24 कितना होता है 31 24 कितना होगा जी 31 होगा 0 0 16 9 × 15 = 16 6 × 8 = 1 2 3 और 1 3 यहाँ पर 10 वाला पॉइंट है 10 खत्म हो गया यहाँ पर तो कितना हो गया 33660 बाय 1000 केजी और यहाँ से तीन घर यहाँ है तीन घर यहाँ पे 33.66 केजी ऑफ आयरन ये आपका हो गया आंसर नहीं सही आया तो फिर से देख लीजिए क्वेश्चन को बहुत ही आसान है ठीक है ना यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं क्या करना था बस बाहरी डायमेंशन में से अंदर डायमेंशन क्या किए हम थिकनेस को घटा दिए हैं वहां से मेरा ये निकल गया है ओके यहां लिख दे रहे हैं ठीक है ना 33.66 केजी ऑफ आयरन इतना लोहा लगा आपको ये आपका आंसर हो गया ये आपका आंसर हो गया 33.66 किलो यही है